रामायण फिर से स्टार्ट हो गई। लॉकडाउन बढ़ा दिया। रामायण के साथ साथ बहुत सारे सीरियल्स हैं जो दोबारा चले हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। जब मैं बच्चा था तो उस टाइम पे देखता था कि शक्तिमान चलता था, महाभारत चलती थी, रामायण चलती थी, बहुत ऐसे सीरियल्स थे, श्रीमान श्रीमती जी, पता नहीं कितने चैनल्स, कितने सीरियल्स थे जो चलते थे DD1 पे, और उन सीरियल्स को हम लोग याद भी करते थे। लेकिन आज ये जो कोरोना वायरस आया है उसने दोबारा से हमारी जो यादें हैं उसको ताज़ा कर दिया है। यादें ताज़ा करने का मतलब ये है कि पुराने जो सीरियल्स थे वो DD नेशनल पे रीटेलीकास्ट हो रहे हैं। कुछ जो लोग हैं उनके तो मिर्ची लगी है रामायण पे भी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन ऐसे महानुभाव हैं जिनके मिर्ची लगी है रामायण चलने पे, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले उससे पहले रामायण के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना उनके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। तो रामायण जो बनी थी 1987 के अंदर बनी थी। रामायण के निर्माता थे रामानंद सागर। रामानंद सागर ने रामायण को बनाया था, और रामानंद सागर की जो रामायण है वो सभी की फेवरेट है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, या अब देखने वाला कोई कलाकार हो। तो उसके अंदर राम का जो करेक्टर प्ले किया था वो प्ले किया था अरुण गोविल ने, और सीता का जो करेक्टर प्ले किया था वो किया था दीपिका चिखलिया ने। और ऐसा कोई करेक्टर जो रामायण का हो जो आज के रामायण के अंदर कोई प्ले नहीं कर पाया है, ऐसे सारे के सारे करेक्टर्स थे, सारे के जितने भी कलाकार थे। जैसे अगर बात करें हनुमान जी का जो करेक्टर प्ले किया था वो किया था दारा सिंह ने, पहलवान ने, और भी बहुत जो रोल्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से प्ले किए गए थे सारे जितने भी कलाकार थे, आज की रामायण में इतना अच्छा नहीं कर पाते। अब भी रामायण बनी है क्योंकि रामायण पे ना किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी रामायण पे सीरियल बना सकता है क्योंकि वो एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उस पर कोई भी सीरियल्स बना सकता है। जैसे अगर बात करें तो अभी रामायण के अंदर काम किया है आशीष शर्मा ने भी काम किया है और गुरमीत ने भी काम किया है, लेकिन दोनों के रामायण में वो बात नहीं थी जो अरुण गोविल की रामायण के अंदर थी। सुना है कि जब रामायण स्टार्ट होती थी ना तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि जितने भी लोग रामायण देखने आते थे सारे के सारे जूते चप्पल उतार के रामायण देखते थे, इतना आइडियल मानते थे। और अरुण गोविल को लोग घर में पूजा करने लग गए थे, अरुण गोविल और दीपिका जी को लोग घरों में ऐसे फोटोएं लगा लेते थे और उनकी पूजा करते थे, सच में उन्हें भगवान मानने लगे थे, राम मानने लगे थे, आदर्श मानने लगे थे, जिसके कारण अरुण गोविल जी का करियर जो था वो भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो किसी और रोल में फिट ही नहीं बैठते थे। सारे के सारे लोग उन्हें श्री राम मानते थे, आदर्श मानते थे। आज भी जब वो चीज़ें आती हैं उनके सामने तो बहुत उन लोगों को खुशी होती है कि हमें भगवान का दर्जा लोग उस टाइम पे देते थे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं कि PIB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रामायण है वो 280 मिलियन की TRP के साथ नंबर वन जो सीरियल है वो बना हुआ है। और PIB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बार की रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो 2015 के बाद हाईएस्ट TRP वाला जो सीरियल है वो रामायण हुआ है रीटेलीकास्ट में। बहुत सारे सीरियल्स जो है वो रीटेलीकास्ट हुए हैं। बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत जो है वो रीटेलीकास्ट हो गया, शक्तिमान हो गया, इसके अलावा श्रीमान श्रीमती जी, एलिफ लैला, शाहरुख खान का जो सीरियल था सर्कस वो भी रीटेलीकास्ट हो गया। तो जितने भी पुराने सीरियल्स थे वो सारे के सारे रीटेलीकास्ट हुए हैं और आप लोग देख सकते हो DD नेशनल पे ये चीज़ चल रही है। तो आज तो DD नेशनल भी ये बात बोल सकता है कि कभी कभी तो लगता है अपन इच भगवान है। सुना है ना, हर किसी के दिन आते हैं, अब DD नेशनल के दिन आ गए, सबके दिन आते हैं, आप लोगों के भी आ जाएंगे। अगर नहीं आ रखे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, भगवान सबको मौका देता है, आप लोगों को मौका देगा। अब बात करते हैं कि मुकेश खन्ना जी ने रामायण के बारे में क्या बोला है। तो मुकेश खन्ना ने बोला है कि जिस टाइम पे रामानंद सागर रामायण को बना रहे थे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं चाहता था कि कोई फास्ट मोशन वाला जो सीरियल हो वो बने, तो मुझे महाभारत पसंद थी। और लेकिन जब मैं आज रामायण देखता हूँ तो मुझे सच में बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि उस टाइम पे मुझे रामायण पसंद क्यों नहीं थी। आज मैं सच में बहुत पसंद करता हूँ रामायण से, और माफ़ी भी मांगता हूँ अरुण गोविल जी से, रामानंद सागर से, कि उस टाइम पे मुझे महाभारत नहीं पसंद थी। तो ऐसी ही जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं उनमें भी काफ़ी चेंज मिला है, कि आजकल कुछ जो बच्चे हैं जैसे अखबारों के अंदर आ रखी थी कि बच्चे अपने मम्मी पापा को तो ये बोलने लगे हैं माताश्री और पिताश्री, और भाई को भ्राताश्री बोलने लगे हैं, और मम्मी पापा भी ऐसी ही सलाह दे रहे हैं कि आपको भी राम और सीता की तरह ही अपनी लाइफ में करेक्टर प्ले करना है, राम और सीता की तरह ही अपने लाइफ को जीना है।
तो आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अपने संस्कारों से जुड़े रहें। बाकी आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। और कुछ जो हैं जिनके आग लगी थी बत्ती के अंदर, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन अंडी टीवी के रवीश कुमार के बारे में। तो रवीश कुमार जी बोलते हैं कि भई रामायण किसके जो है कहने पर चलाई गई है, किन लोगों ने मांग करी थी। तो एक बात तो आपको बता देते हैं गुरुजी, एक तो हम थे जिन्होंने रामायण की मांग करी थी कि लॉकडाउन में रामायण चला दी जाए। देखो प्रकृति भी यही चाहती है कि वापस राम राज्य आए, बीजेपी को सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद बात करते हैं कि आज के टाइम पे प्रदूषण वो आ गया जो पहले के टाइम पे था। अगर 1978 की या 1980 की अगर मैं बात करूँ तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो वातावरण है वो 1980 का जो वातावरण था उसके बराबर आ चुका है। यानी कि प्रदूषण देख लो कम से कम 40 साल पीछे चला गया है, ठीक है जी। और इसके अलावा बच्चों में संस्कार भी भरे जा रहे हैं वापस। हम लोग वल्गरता अश्लीलता देख देख के परेशान हो रखे थे कि ऐसे सीरियल्स बनने लगे थे जो हम घरवालों के साथ बैठ के देख भी नहीं पाते थे। तो अब रामायण और जितने भी पुराने सीरियल्स बने हैं इतने अच्छे अच्छे सीरियल हैं कि हम घरवालों के साथ बैठ के देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपनी अगर कोई राय हो आप लोगों की तो कमेंट सेक्शन में दे दें। और मेरा ये जो पेज है, अगर आप लोग मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे मेरा पेज लाइक करें फन टॉक्स विद विजय के नाम से। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, IM विजय पारिक के नाम से मेरी आईडी है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होगी वैसे ही लगानी है। तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।